सो हेलो गाइस, यार आप लोगों का स्वागत है एक और न्यू जीडो 5 की वीडियो में। एंड गाइस, पिछले वाले एपिसोड में जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई अवेंजर्स लोग का घर तबाह हो चुका है और वो लोग भाई हम लोग के घर मतलब कि मेरे फ्रैंकलिन घर में आ चुके हैं सोने के लिए, रहने के लिए, हमेशा के लिए। भाई रहा नहीं जा रहा, कल की वीडियो जाके देखो, वो लोग ने परेशान करके रखा है। नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आई कार्ड में भी मैं दे दूंगा। और आप सोच रहे होंगे यहां पे ये जेसीबी क्या कर रही है। अरे भाई साहब, मैं कुछ भी करके अवेंजर्स लोग का घर वापस से ठीक करके रहूंगा। भाई ये लोग ने जीना हराम करके रखा है, मतलब कि राशन एक महीने का एक दिन में चट कर जा रहे हैं। भाई सोने नहीं दे रहे। मैं आपको दिखाता हूं ये लोग है कहां पे। एकदम सन्नाटा लग रहा है ना आपको आसपास का, पता है क्यों भाई? क्योंकि वो लोग सो रहे हैं और रात भर मैं नहीं सोया हूं, क्योंकि भाई देखो तो यार ये लोग ने क्या किया है, मतलब सब लोग मिलकर के मेरी बेड में आकर के सो गए हैं और मुझे बाहर निकाल दिया। मतलब सोचो यार, मुझे खटिया लगा के बाहर में सोना पड़ा, ठंडा अलग लग रहा था, मच्छर अलग काट रहा था, पता है रात में क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ, देखो। तो यार चलो यार, आज का दिन तो बहुत ज्यादा दिक्कत से गुजरा है, मतलब कि ये लोग को संभालना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। अब एक काम करता हूँ, नीचे जाके जल्दी से सो जाता हूँ, मेरा बेड में जो नींद आएगी ना सुकून की, मजे आ जाएगा। चलो यार अपना रूम में जाता हूँ, सो जाता हूँ। अरे यार चलो चलो जल्दी चलो। एक सेकंड, ये क्या है? मतलब कि तुम लोग ऑलरेडी सो चुके हो? अरे हटो तुम लोग, अरे उठो, अरे तुम लोग सब उठो, मुझे ये बेड में सोना है। भाई यार ये लोग तो ऑलरेडी सो चुके हैं, अब मैं कहाँ सोऊंगा? फ्रैंकलिन हम लोग सो चुके हैं, तुम एक काम करो, तुम लोग अपना इंतजाम करो, हम लोग को नींद से मत जगाओ। अरे गाइस यार, अब मुझे सोने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब एक काम कर, तो खटिया लगा करके बाहर ही सोना पड़ेगा, मतलब गाइस यार यहीं पे सोना पड़ जाएगा। चौप तू भी सो गया क्या? भाई वो भी अपने कमरे में जाके मतलब कि अपने घर में जाके सो गया, अब मैं कहाँ सोऊंगा? गाइस अब कल के कल मुझे ये लोग को अपने घर से बाहर निकालना है, ये लोग ने जीना हराम कर दिया है मेरा। अरे मच्छर अलग काट रहे भाई बाहर में। तो देखा गाइस यार, मेरे साथ कितना ही मतलब कि कितना ही बुरा हुआ रात में, ये लोग ने मुझे बाहर फेंक दिया और मुझे बाहर खटिया लगा के सोना पड़ा। तुम लोग जल्दी से उठ जाओ। अरे उठोगे कि नहीं उठोगे? आइला और थोड़ी देर सोने दो ना, कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है? अरे सोने दो यार, फ्रैंकलिन जाओ निकलो यहाँ से, हमारा घर है। एक सेकंड, ये तुम लोग का घर कब से हो गया? ये घर तो मेरा है, मैं तुम्हें रहने के लिए दे रहा हूँ, ये इतना बड़ी बात नहीं है क्या? निकलो यहाँ से, उठो, अरे उठो ना। हल्क उठेगा तो सबको उठा देगा, चुप हो जाओ। अरे यार ये तो सोते सोते मुझे धमका भी रहा है, अब तो बहुत दिक्कत हो गई, अब मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। एक सेकंड, एक काम करता हूँ भाई, बाहर जाके ना बर्गर बर्गर चिल्लाता हूँ, सब एक साथ आएंगे। चलो आ जाओ। भाई एक काम करता हूँ, ये लोग के लिए ना पहले कुछ खाने के लिए बना देता हूँ, तब जा करके ये लोग बाहर आएंगे। एक काम करता हूँ, चुपचाप बर्गर बनाता हूँ, तब भाई ये लोग को स्मेल आएगी बर्गर की और ये लोग बाहर आएंगे। चलो गाइस यार एक काम करता हूँ, बर्गर बेचने वाला बन जाता हूँ। बर्गर ले लो, पेटी ले लो, जिसको जिसको बर्गर चाहिए जल्दी जल्दी सुबह उठो, बर्गर खाओ सुबह उठो, बर्गर किसको चाहिए मैं जल्दी से खा जाऊंगा। आई लव बर्गर। अरे सब लोग उठो, आई लव बर्गर चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए। हल को भी बर्गर चाहिए। उड़ी बाबा, फ्रैंकलिन बर्गर बना रहा है, मुझे भी देना। फ्रैंकलिन मुझे भूल मत जाना, मुझे भी देना। अरे रुको रुको, कैप्टन अमेरिका भी आ रहा है, उसे भी बर्गर देना, मैं थोड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ ना इसीलिए लेट भागता हूँ। एक सेकेंड, तुम लोग सब कितने जल्दी आ गए, उतना देर से मैं जब बुला रहा था तो तुम लोग आ नहीं रहे थे, समझे? आई लव फ्रैंकलिन बर्गर तो दे दो। यहाँ पे कोई बर्गर उर्गर नहीं है, मैं मजाक कर रहा था, तुम लोग के साथ प्रैंक हो गया सुबह सुबह। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ, मेरे साथ चलो, मैं तुम लोग का घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, तुम लोग मेरे घर में नहीं रह सकते, मैं अपने घर से तुम लोग को बाहर निकाल रहा हूँ। बाप रे बाप, तुम लोग ने तो हद पार कर दिया है, मतलब भाई जहाँ तहाँ भाई सामान बिखरा दिया है, खाना पीना एक दिन में चट कर जा रहे हो, मुझे रात में सोने नहीं दिया, भाई मेरा जिंदगी हराम करके रखे हो यार। पता है तुम्हें कल मैं कहाँ पे सोया था? चौप के बगल में, मतलब चौप के घर में सोया था, मच्छर काट रहा था वो अलग। बाप रे बाप, तुम लोगों को समझ नहीं आता। एक काम करो, मैं तुम्हारा घर बना देता हूँ, तुम लोग अपने घर में जाके वापस रहो। देखो मैं तुम लोग के लिए जेसीबी लेके आया हूँ। गाइस ये जेसीबी से ना भाई अवेंजर्स लोग का घर हम लोग वापस से बनाएंगे और वापस से बनाने के बाद और भी अच्छा तरीके से बनाएंगे, जिससे भाई अवेंजर्स लोग का घर ना एकदम मस्त तरीके से दिखे। अरे वाह दोस्तों, मतलब कि हमारा घर वापस से बनेगा। अरे आयरन मैन सर जी देख रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ देख रहा हूँ, फ्रैंकलिन अपने घर से हम लोग को बाहर निकाल रहा। अरे भाई ये क्यों देख रहे हो? ये देखो ना कि मैं तुम्हारा कितना मदद कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा घर वापस से बना रहा हूँ। हाँ हाँ हमें पता है तुम कैसा बना रहे हो, हमें भगाने के लिए बना रहे हो ना, तुम्हारा घर में कितना मजा आ रहा है हम लोग को, हम तुम्हारे घर में रहने दो ना। ना बाबा ना, बहुत ही नुकसान हो चुका है, कल आते आते ये स्पाइडरमैन ने टीवी तोड़ दिया, ये हल्क ने राशन खा लिया, भाई ये डॉक्टर स्ट्रेंज ने मेरा बेड को पूरा कचुम्बर बना दिया, तुमने मेरा सामान को इधर उधर कर दिया, और भाई उसने मेरा स्विमिंग पूल को गंदा कर दिया कैप्टन अमेरिका ने। भाई तुम लोग सब ने मेरा घर को तबाह करके रखा है, इसीलिए यार कुछ भी करो बट मैं तुम लोग को तुम्हारा घर वापस छोड़ के आऊंगा। चलो एक काम करो, जल्दी से जेसीबी में चढ़ो, हम लोग भाई जल्दी से तुम्हारा घर चलते हैं, तुम्हारे घर को फिर से बनाते हैं। आई लव फ्रैंकलिन, बट बैठेंगे कहाँ पे?
अरे भाई साहब इतना बड़ा जैसे भी है, कहीं भी बैठ जाओ ना, ये देखो कहीं भी बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे फ्रैंकलिन हम लोग सब लोग बैठ गए, अब चालू करो गाड़ी और जल्दी से हमारे घर को बना दो। अरे गाइजर ये लोग को तो देखो, मतलब स्पाइडरमैन कहाँ पे फ्रंट में बैठ चुका है, ये भाई आयरन मैन हमारे छत्ता पे, और भाई हल्क को तो देखो भाई गाड़ी के पीछे, और भाई हमारा डॉक्टर स्ट्रेंज और कैप्टन अमेरिका राइट और लेफ्ट में चढ़ चुका है। मतलब भाई देख रहे हो ये जेसीबी में तो ये सारे लोग पूरे तरीके से लोड हो चुके हैं। सच में यार ये जेसीबी कोई देखेगा ना तो भाई हंसी के मारे उसका पेट फट जाएगा। आप लोगों को कितना फनी लग रहा होगा ना जेसीबी, मतलब भाई देखो तो यार एक सेकंड फनी क्यों लग रहा होगा, हमारे जगह पे भी इसी तरीके से जेसीबी में लटक के लोग जाते हैं, कोई फनी बात नहीं है। बट हाँ अवेंजर्स लोग लटक के जा रहे ये बहुत फनी बात है। और ये जेसीबी कितना स्लो है यार, मतलब इतना धीमे चलेगा तो भाई हम लोग अवेंजर्स हाउस पहुंचते कल जरूर हो जाएगा। फ्रैंकलिन थोड़ा तेज जेसीबी लाना चाहिए ना। एक सेकंड में तुमसे पूछ के जैसे भी नहीं लेके आया हूँ कि भाई एक काम करना, तेज वाला दे देना या फिर धीमा वाला दे देना। जो भाई मिला है मैं उठा के लेके आया हूँ, और चुपचाप अपना घर बनाओ और यहाँ से निकलो। भाई साहब मेरा घर में रह रहे करके मेरा घर भी तोड़वा दोगे। मुझे तो गाइस यार ऐसा लग रहा है कि भाई अपना घर तो ये लोग ने पूरे तरीके से खत्म करा ही दिया है, अब भाई मेरा घर का बारी है, मेरा घर भी यार पूरे तरीके से ये लोग खत्म करा के ही मानेगा। चलो यार एक काम करते हैं, जल्दी से भाई अवेंजर्स हाउस चलते हैं, भाई वही ज्यादा बेहतर रहेगा। ये गाड़ी तो बहुत ही टुकुर टुकुर चल रही है, चल ले भाई जल्दी चल ले। एक तो कुछ दिख नहीं रहा, स्पाइडरमैन सामने खड़ा हो चुका है तो भाई रास्ता भी नहीं दिख रहा। अरे स्पाइडरमैन रास्ता कैसे देखूं यार, मुझे तो कुछ रास्ता भी दिख नहीं रहा। भाई हट जा सब लोग सामने से, रास्ता एकदम नहीं दिख रहा। अरे फ्रैंकलिन चिंता मत करो मैं बताता हूँ। अरे तू घंटा बताएगा, भाई सामने गाड़ी है, भाई गाड़ी को उठा उठा के फेंकेगा क्या? भाई हट जाओ सब लोग सामने से, जेसीबी है यार, मैं गाड़ी उठा के बाहर फेंक दूंगा, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा। अरे यार चाचा हट जाइए चाचा, तो मैं आपकी गाड़ी को उठा के फेंक दूंगा। भाई साहब गाड़ी टकराई और उनका चिपटा हो गया गाड़ी। चलो एक काम करते ये जेसीबी को भाई रोड में उतारते, फिर देखते लोगों का क्या रिएक्शन आता है। ओके तो गाइस यार हम लोग फाइनली यार ये जेसीबी को रोड में उतार चुके, और यार ये क्या ही कमाल की स्लो स्पीड में चल रही है, मतलब इतनी धीमी स्पीड मैंने सोचा नहीं था। एक सेकंड यार, भाई तुम लोग सबको एक काम करता हूँ, ये सामने का मुंह है ना जेसीबी का, सब गाड़ी को उठा देता हूँ ये मुंह से। अरे आ जाओ, उठ जाओ उठ जाओ गाड़ी उठ जाओ। एक सेकंड, मैंने तो एक गाड़ी को पलटा ही दिया था। एक काम करता हूँ बाइक वाले को पलटाता हूँ, भाग गया बच के। अब एक काम करता हूँ व्हाइट वाली गाड़ी को उठाता हूँ। अरे उठ गया भाई, चलो हमारे साथ अवेंजर्स हाउस, भाई मजा आ गया। अरे फ्रैंकलिन खेली करते रहोगे, ये हमारा अवेंजर्स हाउस जाके बनाओगे भी? अरे हाँ तेरा अवेंजर्स हाउस को बनाना भी है, चलो यार अब सीधा मिलते हैं अवेंजर्स हाउस की तरफ। ओके तो गाइस यार ये देखो ये रहा अवेंजर्स हाउस का एंट्री, अब चलो यार जल्दी से भाई जेसीबी को अंदर लेके चलते हैं। अरे यार सामने से गाड़ी हट जा भाई। ओके तो यार एंट्री में हम लोग आ चुके, और एक सेकंड ये क्या, मतलब भाई भाई देख रहे हो ये अवेंजर्स हाउस का रास्ता भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है, मतलब पूरी तरीके से टूट चुका है, हम लोग तो भाई नीचे धस गए। मतलब ये क्या हो चुका है, अवेंजर्स हाउस पूरे तरीके से नीचे से भी फट चुका है, देख रहे हो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, हमें कुछ भी करके ये पूरे जगह को रेनोवेट करना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो क्या ही बम ब्लास्ट हुआ था कि भाई पूरे तरीके से नीचे यार अभी भी धुआं धुआं है। आई लव फ्रैंकलिन, ये सबको ठीक करने में तो बहुत ही साल लग जाएंगे। अरे चिंता ना करो, हम लोग भाई कुछ ही घंटों में कर लेंगे। गाइस एक काम करना, आप लोग नीचे जाओ जल्दी से कमेंट करो कि भाई नया वाला अवेंजर्स हाउस कैसा बनने वाला है, और नीचे जाए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के शेयर भी कर देना ये वीडियो को। हम लोग भाई जल्दी से अवेंजर्स हाउस को बनाते हैं। सो फाइनली गाइस यार हम लोग का अवेंजर्स हाउस क्रिएट हो चुका है, और आप सोच रहे होंगे सारे अवेंजर्स लोग कहां चले गए। अरे भाई वो लोग अंदर घुस करके अपना अपना जगह हथियार लिए हैं। अरे हाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा जेसीबी को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं। और पता है आपको तो पता होगा कि हमारे अवेंजर्स हाउस में गेट नहीं था, तो इस बार यार हम लोग ने गेट भी लगाया है बाहरी में, अगर जिसको आना है बाहर में गाड़ी पार करे। तो एक काम करता हूँ मैं आयरन मैन का ये वाला कार ले लेता हूँ। अरे भाई खुल जा, आयरन मैन ने लॉक लगा के रखा था, बट अपन तो है चोर, अपन लॉक को भी तोड़ देते हैं। तो फाइनली गाइस यार ये आयरन मैन की कार है, और हम लोग भाई ये कार को लेकर के आ चुके हैं। अब एक काम करते हैं आपको गेट दिखाते, ये ऑटोमेटिक गेट है, अपने आप खुल जाएगा, और अगर चोर चुक्के या फिर कोई बदमाश लोग आएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक लॉक भी हो जाएगा। ऐसा गेट लगाया मैंने, कमाल का है ना। अरे हाँ यार कमाल का है। अब आओ मैं आपको और भी चीज दिखाता हूँ। पता है अवेंजर्स हाउस ना पहले से बहुत बड़ा हो चुका है, सच में। यहाँ पे हेलीकॉप्टर पैड, आपको तो पता ही होगा यहाँ पे हेलीकॉप्टर पैड था। लेकिन गाइस यार यहाँ पे देखो, मतलब गाइस यार पूरे जगह से ही रेनोवेट हो चुका है भाई, हर जगह शीशे लग चुके हैं और दरवाजे लग चुके हैं, और बहुत ही मस्त तरीके का दिख रहा है आपको। आओ मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं इसका एंट्रेंस। ये देखो दरवाजा खोलता हूँ तो यहाँ पे स्टार्क मेंशन लिखा आता है, और भाई एक सेकंड यहाँ पे आपको एक बटन देखने के लिए मिलता है, जैसे मैं दबाऊंगा तो देखो यार। Very well. Seize the day, sir.
भाई यहाँ पे जार्विस भी पूरे तरीके से एक्टिव है और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। भाई सब लोग कहाँ चले गए, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, ऐसे तो यहीं पे लोग रहते थे, कहाँ चले गए कहाँ चले गए। भाई ये पूरा बड़ा सा एरिया हॉल है और यहाँ पे तो देखो यार एक बहुत बड़ा टेडी बियर किसने रख दिया है। यहाँ पे जूस काउंटर है जो बहुत ही कमाल का है, देख रहे हो भाई यहाँ पे तो मस्त मस्त चीज है। यहाँ पे हम लोग जूस काउंटर भी पी सकते हैं, रेडियो भी चला सकते हैं, बहुत मजेदार मजेदार चीज है। अरे वो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज तो ये रहा। अरे डॉक्टर स्ट्रेंज तुम कर क्या रहे हो? अरे बाबा फ्रैंकलिन देखो हमारे घर का टीवी कितना बड़ा है, तुम्हारा टीवी तो काम ही नहीं कर रहा था। एक सेकंड, हाँ भाई इसका टीवी तो बहुत ही बड़ा है, बट तुम लोग ही ने मेरा टीवी खराब किया था, काम तो पहले से कर ही रहा था, छोटा था लेकिन टीवी, लेकिन तुम लोग ने मेरा टीवी खराब कर दिया। लेकिन गाइजर अब कर भी क्या सकते हैं, अब मैं भी यहाँ पे रहूंगा तो इन लोगों का टीवी मैं भी खराब कर दूंगा। आओ मैं आप लोगों को और भी एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पे आयरन मैन अपना बड़ा सा फोटो लगाया है, चलो कोई बात नहीं यहाँ पे देखूं तो। ओके गाइजर यहाँ पे जिम है जो भाई थॉर यार अपना कसरत कर रहा है, देखो तो यार यहाँ पे डंबल उम्बल क्या ही मस्त तरीके से, बॉक्सिंग पैड और क्या ही मस्त तरीके से, यहाँ पे तो शीशा भी है। भाई देखो यार मेरे डोले देखो, एक सेकंड डोले तो है ही नहीं, क्या दिखा रहा हूँ मैं, छोड़ो आप लोग को और मैं बाहर चलता हूँ, बाहर देखते हैं कि बाहर क्या है। ओके यार यहाँ से तो हम लोग पूरा समुद्र देख सकते हैं, मस्त मस्त चीज़ें नज़र आ रही है यहाँ से, चलो और आगे जाते हैं देखते हैं और क्या है। एक सेकंड गाइस यार आगे में एक स्विमिंग पूल भी बना है, मैं आपको दिखाता हूँ स्विमिंग पूल कितना कमाल का है। एक सेकंड स्विमिंग पूल में ये क्या कर रहा है? अरे हल्क तुम क्या कर रहे हो? हल्क पानी में नहा रहा है, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना गाना चाहिए। अरे यार ये तो पूरे तरीके से मस्ती कर रहा है, बट करने देते हैं, भाई नया नया स्विमिंग पूल बना है तो मस्ती तो करेगा ही करेगा। और यहाँ पे भाई बाथरूम में टॉयलेट क्यों मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, छोड़ो यार आप लोगों को और भी कुछ दिखाता हूँ। भाई एक काम करता हूँ दूसरा तल्ला दिखाता हूँ आप लोगों को, एवेंजर्स हाउस का दूसरा तल्ला भी बहुत ही कमाल का है। तो यार चलो यार अब यहाँ से सीढ़ी पकड़ के ऊपर चलते हैं और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ क्या ही मस्त मस्त चीज है। सबसे पहला ये वाला एरिया भाई बेडरूम है प्लस गेमिंग पीसी लगा हुआ है, ये लगता है पता नहीं यार किसका होगा। एक काम करते और बगल में जाते हैं, ये रूम यार मैं ही रख लूंगा, मजा आ रहा है। ये रूम में क्या है? एक सेकंड, ये रूम में सीज़ा। भाई एक सेकंड, ये रूम में तो कंप्यूटर है। और स्पाइडरमैन तुम क्या कर रहे हो? आई लव फ्रैंकलिन, ये रूम तो अब मेरा हो गया, यहाँ पे मैं गेम खेलूंगा। अरे यार ये रूम तो अब स्पाइडरमैन का हो गया, यहाँ पे पढ़ाई करेगा और गेम भी खेलेगा। अच्छा स्पाइडरमैन पढ़ाई भी करो और गेम भी खेलो, चलो यार और आगे जाते हैं और आगे देखते क्या है। एक सेकंड गाइस और यहाँ पे तो मुझे लग रहा है अभी भी शिफ्टिंग हुई है, देख रहे हो पूरे वॉल में कॉमिक लग चुका है, स्पाइडरमैन हल्क थॉर भाई कैप्टन अमेरिका आयरन मैन सबका। यहाँ पे टेसरैक्ट आयरन मैन का आर्क रिएक्टर, भाई थॉर का भाई हैमर, यहाँ पे कैप्टन अमेरिका का शील्ड, बहुत कुछ है। ये जगह तो सच में कमाल का है, मजा आ गया देख करके। और आगे जाता हूँ और आगे क्या है भाई, और तो आगे मुझे कुछ नहीं लग रहा। यहाँ पे मीटिंग वोटिंग करने का एरिया है और यार यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे लगता है बाथरूम ही होगा क्योंकि भाई हल्का भी तो होना जरूरी है। हाँ यार ये जगह तो बाथरूम, यहाँ पे आप नहा सकते हैं बाथरूम है। और यहाँ पे यार बेडरूम है तो यहाँ पे सो सकते हैं आकर के, यहाँ पे भी गेमिंग पीसी लगा हुआ है और देखो तो यार क्या ही मस्त गेमिंग पीसी लगा हुआ है। ओ माय गॉड यार क्या ही गजब का गेमिंग पीसी है, मजा आ गया देख करके। तो चलो तो यार अब हम लोग बाहर जाते हैं, बाहर में देखो यार ये लोग ने पूरा पार्टी वेयर लगा के रखा है, यहाँ पे सब लोग पार्टी कर सकते हैं, क्या ही मस्त तरीके का चीज है। देखो तो यार यहाँ पे सब पार्टी करेंगे मजा करेंगे। चलो यार अब और नीचे चलते, मुझे रहा नहीं जा रहा, नीचे चलते और आप लोग को आयरन मैन का मतलब कि हाँ आयरन मैन का एरिया दिखाता हूँ, उसका एरिया तो और भी कमाल का है। गाड़ी लेके जाता हूँ, आयरन मैन अपने एरिया में लिफ्ट से लेकर के बहुत कुछ लगा है, नए नए आर्मर भी लगा के रखा है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आयरन मैन का एरिया तो सच में कमाल का है। चलो यार यहाँ से नीचे गए, पूरा जगह रेनोवेट हो चुका है, भाई मजा आ गया देख करके। देखो तो यार फ्लोर तो ऐसा लग रहा चमचमा रहा है। एक सेकंड गाइस यार ये जगह कितना कमाल का है, जार्विस भी यहाँ पे है। ओके यार क्या ही मस्त जगह, आयरन मैन तुम्हारी तो निकल पड़ी। फ्रैंकलिन तुम गलत जगह पे खड़े हो। क्यों क्या हो गया, मैं कौन सी जगह पे खड़ा हूँ? एक सेकंड ये क्या हो रहा है भाई, मैं नीचे क्यों जा रहा हूँ? भाई ये तो एक लिफ्ट है जिससे मैं नीचे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं कोई भी सूट को भाई पहन सकता हूँ, मजा आ गया मजा आ गया। भाई यार देखो यार यहाँ पे तो एक और सीक्रेट जगह ये खुल रहा है। ओके खुल जा। यहाँ पे हमारा विजन अभी भी लेटा पड़ा है, उसे अभी भी ऑन नहीं किया गया, बट छोड़ो यार ऑन करने की जरूरत भी नहीं है। अब एक काम कर तो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने के लिए भी क्या लिफ्ट काम आएगा? ओके यार ये ऊपर जाने के लिए भी लिफ्ट काम आ रहा, देखो यार क्या ही कमाल का लिफ्ट है। भाई आयरन मैन का सूट भी तो देखो यार, क्या ही मस्त मस्त सूट है, ये लोग को भी यूज करेंगे मजा आ जाएगा। तो आयरन मैन कैसा लगा तुम्हारा नया घर? अरे फ्रैंकलिन बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया ये नया घर में, अब तो मजा आ गया, ये घर में रहने में तो और मजा आएगा। अरे हाँ यार इसका घर तो सच में कमाल का है। ओके तो गाइस यार फाइनली आयरन मैन मतलब अवेंजर्स लोग का नया घर बन चुका है। आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना कि ये घर कैसा लग रहा है। घर तो बन गया बट अभी तक हम लोग को पता नहीं चला कि भाई ये पुराना वाला जो घर था वो किसने बर्बाद किया था। ये लोग को देखो, ये लोग ने फिर से नया घर बना दिया।
दिया उससे भी अच्छा। ही ही ही, हम लोग का सारा मेहनत बर्बाद चला गया। हम लोग बिना मतलब के यहाँ पे बॉम्ब लगा के मेरा अपना वैन भी फोड़ दिया मैंने। एक सेकंड, ये लोग तीनों, मुझे लगता है यही लोग तीनों ने भाई किया होगा काम। जल्दी चलो अवेंजर्स, ये लोग को पीटो। ये लोग हमें देख सकते हैं क्या? ओ नो, हम लोग ने तो अपने इनविजिबल मोड ऑन ही नहीं किया। ही ही ही, अरे दिन के वक्त इनविजिबल मोड ऑन नहीं होता। अब ये लोग हमें मारेंगे, भागो यहाँ से। चलो यार, अब अपना हाथ साफ कर लेते, ये लोग को मार मार के, सब लोग मिलकर के मारो इसे। ओके तो गाइस यार, ये लोग तीनों को भाई हम लोग ने सबक सिखा दिया। ओके गाइस, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम लोग इसी तरीके से नए नए वीडियो इस चैनल में लाते रहते हैं। ओके गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय दोस्तों।